हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े बेहद कम हैं। हरियाणा के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, वैक्सीन लगवाने से खुद को बचा रहे हैं। वैक्सीनेशन के कम होते आंकड़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभियान चलाने का मन बना लिया है। लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। लोगों को जागरूक करने के इरादे से सोमवार को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनगढ़ ने पूरे परिवार के साथ कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी धनगढ़ ने कहा कि विरोधी दल वैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। भारत में बनी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। ब्राजील के लोग भी भारत में बनी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, सपरिवार में माताजी पिताजी के साथ और धर्म पत्नी और बहन के साथ यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर आया हूँ। हमने पांचों लोगों ने अभी वैक्सीन ली है और चार हफ्ते बाद दूसरी वैक्सीन के लिए यहाँ चिकित्सकों ने आग्रह किया है। बहुत ही आराम से वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने भारत में दो दो वैक्सीन विकसित की, भारत की सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का, कि 35,000 करोड़ रुपये वैक्सीन के लिए आवंटित किया। इसको दुनिया की वैक्सीन, वर्ल्ड वैक्सीन कहा जा रहा है अमेरिका तक में, और हमारे पड़ोसी देशों से लेकर दूर दराज के छोटे छोटे देशों तक हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से ही कोरोना जैसी घातक बीमारी से निजात पाई जा सकती है।